दोस्तों गुजरात दंगा 2002 की बात करके लोग हिंदुओं को खूब टारगेट करते हैं, लेकिन गुजरात दंगा के पहले जो गोधरा कांड हुआ था उस पर चर्चा करने से लोगों के गले सूख जाते हैं। लेकिन इसी घटना पर फिल्म बन रही है। दोस्तों गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी S6 में बैठे बच्चों और महिलाओं को मुसलमानों ने जिंदा जला दिया था। यह फिल्म कट्टरपंथी इस्लामिक वारदातों पर आधारित है, इसीलिए लोग इसे भी रिलीज होने से पहले प्रोपेगेंडा घोषित कर देंगे, जैसे कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और वीर सावरकर को बताया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनुराग कश्यप और कमल हसन हर सच्चाई उजागर करने वाली फिल्म को प्रोपेगेंडा बता देते हैं। खैर अभी नर्मन नक्सलियों की बात नहीं करते और गोधरा कांड की असल सच्चाई पे आते हैं। दोस्तों आखिर इस कांड को किसने अंजाम दिया? क्या इसमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी या फिर किसी सरफिरे और हिंसक भीड़ ने इसे अंजाम दिया? और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यह एक मजहबी हिंसा थी जहां कट्टरपंथियों के इशारों पर औरत और बच्चों सहित 59 राम भक्त कार सेवकों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया? आज मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब बहुत बेकाबी से देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों लगभग 19 साल पहले 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा कांड हुआ था। ये भारतीय इतिहास के पन्नों की सबसे कायरतापूर्ण इस्लामिक घटना थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 राम भक्तों को कट्टरपंथियों की उन्मीद भीड़ द्वारा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें 27 महिला और 22 पुरुष और 10 बच्चे भी थे। इनका बस इतना ही गुना था कि ये हिंदू थे और ये कार सेवक अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित पूर्ण हेतु महायज्ञ में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। 27 फरवरी की सुबह ट्रेन गोधरा पहुंची और जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन के लिए रवाना होने लगी, ट्रेन की चेन खींच दी गई और ट्रेन पर हजारों लोगों की इस्लामिक मजहबी भीड़ ने हमला कर दिया और पत्थरबाजी करते हुए कार सेवकों के डब्बे में पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। और इसी गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। दोस्तों इस घटना से पूरा देश दहल गया था। यही गोधरा कांड गुजरात के सांप्रदायिक दंगों का कारण भी बना। गोधरा में 1500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 27 फरवरी 2002 की इस घटना के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और लोगों को जान माल का भारी नुकसान हुआ। गुजरात के तत्कालीन हालात तो इस कदर बिगड़ गए थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से शांति की अपील करनी पड़ी थी। गुजरात के इस दंगों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1200 लोगों की मौत हुई थी। तत्कालीन गुजरात सरकार, जिसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने इस घटना की जांच के लिए गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश KG शाह की एक सदस्यीय समिति गठित की, लेकिन इसका विपक्ष मानवाधिकार संगठनों का विरोध करना शुरू कर दिया। बाद में वे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश GT नानावाटी की अध्यक्षता की समिति का पुनर्गठन किया और न्यायाधीश KG शाह को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। नानावाटी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गोधरा कांड एक षड्यंत्र था और इसके मुख्य षड्यंत्रकारी गोधरा का मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर और ननुमिया था, जिसने फालिया एरिया के मुस्लिमों को भड़काकर इस कायरतापूर्ण इस्लामिक षड्यंत्र को अंजाम दिया। यह एक षड्यंत्र था जिसका पता इससे चलता है कि ट्रेन को जलाने के लिए पहले से ही रजाक कुकर के गेस्ट हाउस पर 140 लीटर पेट्रोल एकत्रित किया गया था। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अनुसार आग लगने के कारण ज्वलनशील द्रव्य को कोच के अंदर डाल के आग लगाई गई थी। गोधरा की यह घटना एक सोची समझी साजिश थी। ये केवल दुर्घटना मात्र नहीं थी। दोस्तों गुजरात के दिल दहलाने वाले गोधरा कांड में SIT ने कुल 68 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सभी के सभी एक खास मजहब को मानने वाले थे, जिसमें मौलवी भी शामिल था। इस चार्जशीट में यह उल्लेख भी था कि भीड़ ने पुलिस पर हमला भी किया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की, जिससे जल रहे डिब्बों को बुझाया ना जा सके। गोधरा की घटना पर 2011 के विशेष ट्रायल कोर्ट ने कुल 31 लोगों को दोषी पाया, जिसमें 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। ये वही लोग थे जिन्होंने गोधरा में ट्रेन जलाने का भीषण षड्यंत्र रचा और कोच में घुसकर चारों ओर पेट्रोल छिड़का था और पूरे कोच को आग लगा दी थी। इसके अलावा कोर्ट ने 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फिर भी इस घटना में कट्टरपंथी इस्लामिक और उसका समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं होने दिया गया और कभी पता नहीं चल पाया कि इस हमले के पीछे किस राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र था। दोस्तों जिस तरह देश की जनता को कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार और केरल में हो रही ISIS भर्ती के बारे में पता नहीं था, उसी प्रकार गोधरा कांड के बारे में भी लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन जब कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी बनी तब लोगों की आंखें खुली और गोधरा भी आंखें खोलने वाली फिल्म है। वैसे फिल्म का पहला टीजर रिलीज हो गया है। मेकर्स ने सच सामने लाने का दावा किया है। फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में गोधरा फिल्म रिलीज हो जाएगी। और दोस्तों गोधरा कांड की सच्चाई के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अपने परिवार को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।